स्लीपिंग हो रही है, ओवरनाइट स्टे है, और बच्चे यहाँ पर जो है ये पूरा अपना कैंपिंग करेंगे रात को, और यहाँ पे बॉनफायर वगैरह होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसलिए आज यहाँ वेकेशंस के अंदर बच्चों का कैंपिंग लगवाया है। अच्छा, सिर्फ आज तो प्राइमरी की है, सेकेंडरी की अलग होती है। तो ये इनका हॉल वगैरह है जहाँ पर इनका ये सब चीज़ें हैं रखी हुई। ये आर्ट्स वाला है, ये ईस्टर का बनवाया होगा इन्होंने जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनसे। हर चीज़ में इन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई क्लब नहीं है BVS में या खाली पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे क्लब्स हैं BVS के जो कि उन्होंने रखे हैं बच्चों के लिए, आफ्टर स्कूल हैं वो। अच्छा, बुलिंग को बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं ये लोग, और बहुत रिस्ट्रिक्ट एक्शन होता है उसका। ये हम लोग इस वक्त बैक साइड से जा रहे हैं BVS के। ये सामने है कैंटीन, और ये है इनकी पूरी यहाँ से बिल्डिंग, अच्छा खासा है। जैसे ये है इनकी सारी क्लासेस। ये इनके वॉशरूम्स वगैरह हैं यहाँ पर सारे। AD 1857 का बिल्ड हुआ था ये स्कूल, इसके बाद फिर इनकी बिल्डिंग जो है वो चेंज हो गई थी, पहले कोई और बिल्डिंग थी, लेकिन ऑलमोस्ट इनको तकरीबन 100 ईयर्स का जो है वो हो गया था इस बिल्डिंग को, जब ये यहाँ पर स्टार्ट किया है इन्होंने। आर्ट हॉल है ये इनका यहाँ पर, और यहाँ ऊपर भी सारा इन आर्ट हॉल उसका है, सेकेंडरी का। बच्चे भी इधर बैठे हुए हैं। नीचे 1-2 क्लास नीचे है, और इसके बाद बाकी सारी क्लासेस जो हैं वो हैं ऊपर। तो कायद आज़म ने रिक्वेस्ट की थी, पारसी स्कूल था पहले ये खाली, और यहाँ पे पारसी स्टूडेंट्स ही पढ़ते थे, तो कायद आज़म ने रिक्वेस्ट की थी कि आप मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी अपने पास एडमिशन दें, तो तब से फिर यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट्स को भी एडमिशन होने लगा। अच्छी खासी मतलब एक लेगेसी है इस स्कूल की, और
जितने भी बड़े स्कूल्स हैं कराची के, उन सबसे ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव है उनके लिए। कराची ग्रामर या और भी जितने स्कूल्स हैं कराची के, जो बहुत ही बड़े नाम हैं और बड़े स्कूल्स हैं। ये स्टेज है, यहाँ पर सारी जो है वो कॉन्सर्ट्स होते हैं, इनके जितने भी ड्रामा फेस्टिवल्स हैं या जो भी इनकी सब चीज़ें हैं, तो ये आगे पूरा टेंट लग जाता है। बाकी यहाँ पर बास्केटबॉल और फुटबॉल के नेट्स वगैरह हैं। ये सामने पीछे की तरफ ही एक चर्च है। आगे इन्होंने टेंट लगाया हुआ है।